छात्रगण, गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है। छात्रगण, जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर आज हम लोग नजरे नायत कर रहे हैं, और वो टॉपिक है छात्रगण, कांग्रेस की स्थापना और उद्देश्य। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना और उद्देश्य क्या क्या थे, इस पर आपको गौर करना है, इसको विचार करना है, इसको मनन करना है, इसका अध्ययन करना है, और एक एक चीजों को ध्यान में रखना है, एक एक चीजों को गौर करना है, एक एक चीजों को छात्रगण आपको याद रखना है। ध्यान दीजिएगा छात्रगण, क्या है कांग्रेस की स्थापना और उद्देश्य में आपको लिखना क्या है मुख्य परीक्षा में, ध्यान रखिएगा छात्रगण। 28 दिसंबर 1885 को सोमवार का दिन था, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक व्यक्ति द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई थी जिसका नाम कांग्रेस था। क्या नाम था छात्रगण इसका? इसका नाम था कांग्रेस। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, पैनी निगाहें आपको रखनी होगी और एक एक चीजों को ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को गौर करना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा। छात्रगण, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में यह आरोप लगाया जाता है कि एओ ह्यूम और लॉर्ड डफरिन ने मिलकर सुरक्षा कपाट सिद्धांत के तहत, सेफ्टी वॉल थ्योरी के तहत, प्रेशर कुकर सिद्धांत के तहत कांग्रेस की स्थापना की थी। लेकिन छात्रगण, यह आरोप आखिर है क्या? आरोप है कि दोनों ने मिलकर भारतीय जनता के दबाव को, भारतीय जनता के प्रेशर को, भारतीय जनता के विद्रोह को कांग्रेस रूपी मंच से प्रेशर कुकर की सीटी के माध्यम से बाहर निकालने के लिए एक साजिश के तहत कांग्रेस की स्थापना की थी। छात्रगण, सुरक्षा कपाट सिद्धांत भी कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा हुआ है। छात्रगण, यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस की स्थापना और आजादी तक के सफर में यदि किसी पार्टी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ा योगदान दिया है तो वह पार्टी कांग्रेस है। छात्रगण, कांग्रेस ने किस प्रकार से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, यह अपने आप में जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। छात्रगण, आप इतिहास में जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, सबके नाम आप गिनते चले जाइए, कहीं ना कहीं से उनका संबंध कांग्रेस से रहा है। छात्रगण, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोपाल कृष्ण गोखले, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कितने नाम हैं कि मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, है ना। छात्रगण, सभी का संबंध कांग्रेस से रहा है ना। तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत की आजादी में यदि किसी पार्टी ने सबसे बड़ा योगदान दिया है तो वह पार्टी कांग्रेस ही है। छात्रगण, 28 दिसंबर 1885 को बंबई में स्थापित इस पार्टी का प्रारंभिक नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। छात्रगण, अमेरिका से यह टर्म लिया गया है कांग्रेस, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है छात्रगण? अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा, यह भी मनन करना होगा, यह भी स्मरण करना होगा, यह भी याद रखना होगा। छात्रगण, दूसरी बात जो आपको याद रखनी होगी कि कांग्रेस की स्थापना तो हो गई, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए, कांग्रेस की स्थापना बंबई में की गई और मात्र 72 प्रतिनिधि
कांग्रेस की स्थापना के समय प्रथम बैठक में उपस्थित थे, जिसमें 39 वकील थे। इससे क्या पता चलता है छात्रगण, प्रारंभ में इस पार्टी की पहुंच केवल उच्च वर्ग तक, समाज के संभ्रांत वर्ग तक, समाज के पढ़े लिखे वर्ग तक इस पार्टी की पहुंच थी। यह पार्टी आम व्यक्ति, मजदूर, कृषक और देश के निम्न वर्ग तक इसकी पहुंच नहीं हो पाई थी, लेकिन धीरे धीरे करके इस पार्टी ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए और धीरे धीरे इसकी पहुंच आम लोगों तक होनी शुरू हो गई। यही कारण है कि कांग्रेस की सदस्य संख्या में निरंतर वृद्धि होती चली गई। छतगन ध्यान रखिएगा, यह पार्टी कम व्यक्तियों से जरूर शुरू हुई थी, लेकिन जिस गति से इस पार्टी ने अपना विस्तार किया, जिस गति से इस पार्टी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, वह अद्भुत, अद्वितीय और अपने आप में बेशकीमती है, अनमोल है छतगन, ध्यान रखिएगा। छतगन, कांग्रेस के आखिर उद्देश्य क्या थे, इसे आप ध्यान दीजिएगा। छतगन, कांग्रेस की स्थापना और उद्देश्य निम्न थे। पहला उद्देश्य था छतगन, आम जनमानस का सहयोग प्राप्त करना। छतगन, आप जानते हैं, किसी भी आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आम जनमानस का सहयोग अत्यंत आवश्यक होता है। छतगन, आम जनमानस का सहयोग जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे, आम जनमानस का सहयोग जब तक आप लेकर नहीं चलेंगे, तब तक किसी भी जिम्मेदारी को, किसी भी कर्तव्य को, किसी भी आंदोलन को अमली जामा नहीं पहना जा सकता है। छतगन, इतिहास गवाह है, जब जब आम जनता ने दमनकारी सरकारों के खिलाफ आवाज उठाई है, तब उन दमनकारी सरकारों का अंत हुआ है। चाहे फ्रांस की क्रांति हो, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो, चीन की क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, सभी जगह आम जनता ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है छात्रगण। और यही भूमिका थी, कांग्रेस के भी उद्देश्य भी था कांग्रेस का, कि आम जनता को लेकर के साथ में चलना, ध्यान रखेंगे छात्रगण। छात्रगण, दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय एकता का निर्माण करना। छात्रगण, हमारे देश की बगिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सभी धर्म के लोग रहते थे। राष्ट्रीय एकता को, राष्ट्रीय भाईचारे को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति का काट निकाला जाए, कैसे देश को एकता के सूत्र में सूत्रबद्ध किया जाए, बांधा जाए, यह भी कांग्रेस का एक प्रमुख उद्देश्य था छतगन, जिसे आपको ध्यान में रखना है, जिसे आपको मनन करना है, जिसे आपको स्मरण करना है, जिसे आपको याद रखना होगा। छतगन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आपको इस पर पैनी निगाह रखनी होगी, ध्यान देना होगा, गौर करना होगा, स्मरण करना होगा और मनन करना होगा, ध्यान देंगे छतगन, है ना। छतगन, तीसरा पॉइंट है सामाजिक समस्याओं का निदान। छतगन, हमारे देश में कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं थी, चाहे वह बाल विवाह हो, दहेज प्रथा हो, कन्या हत्या हो, है ना। इन सभी सामाजिक समस्याएं, चाहे वह नारी अशिक्षा हो, अशिक्षा की समस्याएं हो, सारी समस्याओं को दूर करने के इस उद्देश्य से भी कांग्रेस की स्थापना छतगन की गई थी, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। यह केवल स्वतंत्रता संग्राम या राजनीति में भाग लेने के लिए स्थापित की गई संस्था नहीं थी, इसने सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार किया, इसने सामाजिक एकता पर भी बल दिया, इसने समाज में व्याप्त कुसंस्कारों पर भी प्रहार किया था, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा छतगन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्षिक कार्यक्रमों की घोषणा। छतगन, प्रत्येक अधिवेशन में अगले अधिवेशन के संबंध में क्या क्या कार्यक्रम हम लोगों के होंगे, इस संबंध में कांग्रेस द्वारा वार्षिक कार्यक्रमों की घोषणा कर दी जाती थी। छतगन, वार्षिक कार्यक्रमों के तहत कांग्रेस यह चाहती थी कि अगले वर्ष का उसका एजेंडा क्या होगा, अगले वर्ष किस प्रकार से वह आम जनता के बीच आएगी, किस प्रकार से वह देश में ब्रिटिश सरकार का विरोध करेगी। वह कार्यक्रम को एक वर्ष पहले ही अगले वर्ष के कार्यक्रम को जो है एजेंडे को तैयार कर लिया जाता था, यह भी कांग्रेस का उद्देश्य था, जिसे आपको ध्यान रखना होगा। अगला पॉइंट है छतगन,
ब्रिटिश सरकार में शामिल होने की मांग। छगन, कांग्रेस अपने प्रारंभिक दौर में एक नए नीति के तहत काम कर रही थी। वह चाहती थी कि ब्रिटिश सरकार में वह शामिल हो जाए और ब्रिटिश सरकार में शामिल होकर वह ब्रिटिश सरकार का विरोध करे। क्योंकि छगन, यदि आप सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो लोकसभा विधानसभा में जाकर के आप जितने मजबूती से आम जनमानस की समस्याओं को उठाएंगे, उतना एक आम आदमी नहीं उठा सकता है। छत्रगण, आम आदमी भले रोड में चिल्लाता रहे धरना दे प्रदर्शन दे, लेकिन संसद में कही गई बातें, विधानसभा में कही गई बातें, एक सांसद द्वारा कही गई बातें, एक विधायक द्वारा कही गई बातों का एक अलग मोल होता है। छत्रगण, एक अलग महत्व होता है। इसलिए कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश सरकार में शामिल होना और ब्रिटिश सरकार का विरोध करना, है ना। नेक्स्ट है छगन, स्वराज की मांग। छगन, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो कि गरमपंथी नेता थे कांग्रेस के, है ना, इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। छगन, यद्यपि कांग्रेस प्रारंभ में सरकार में शामिल होकर सरकार का विरोध करना चाहती थी, कांग्रेस प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार की थोड़ी सी हिमायती भी नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस का वजूद बढ़ता गया, जैसे जैसे राष्ट्रभक्त स्वतंत्रता सेनानियों का आगमन होता चला गया, कांग्रेस का स्वरूप और उद्देश्य भी बदलने लगे। छत्रगण, ये वही कांग्रेस थी जिसने 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। छत्रगण, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसे भी आपको छत्रगण ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा। छत्रगण, अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। छगन, कांग्रेस के अधिवेशनों और अध्यक्षों को आप यदि देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस की विचारधारा और उद्देश्य बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष थे, सेकुलरिज्म से युक्त थे। कांग्रेस में न तो कोई हिंदू था, न कोई मुस्लिम था, न कोई सिख था, न कोई ईसाई था, न कोई जैन था, न कोई बौद्ध था, न कोई पारसी था, सब एक थे और सबका उद्देश्य एक था, भारत माता की आजादी, देश को अंग्रेजों के गुलामों से मुक्ति दिलाना, यही इस पार्टी का उद्देश्य था। छगन, ध्यान रखिएगा। छगन, आप यदि कांग्रेस की बैठक और अध्यक्षों के बारे में देखें, शुरू के चार बैठकों को ही मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़े और आप आराम से मेरी बातों को समझ जाएं। छगन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन के अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि एक हिंदू हैं, बंगाली हैं। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष हैं दादा भाई नौरोजी, जो कि पारसी हैं, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि एक मुसलमान हैं। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष हैं जॉर्ज यूल, जो कि एक ईसाई व्यक्ति हैं, अंग्रेज व्यक्ति हैं। तो छगन, आप सोच सकते हैं प्रथम चार अधिवेशनों में हिंदू भी अध्यक्ष बन रहा है, मुस्लिम भी अध्यक्ष बन रहा है, ईसाई भी अध्यक्ष बन रहा है, पारसी भी अध्यक्ष बन रहा है, हर धर्म के लोगों को मौका मिल रहा है। छात्रगण, इसलिए कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष भारत का निर्माण करना था, सेकुलर इंडिया का निर्माण करना था, यह भी इसके उद्देश्यों में शामिल था, जो कि सत्यापित भी होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। छात्रगण, अंतिम पॉइंट है क्षेत्रीयतावाद एवं भाई भतीजावाद से दूरी। छात्रगण, कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी नहीं थी, कांग्रेस में क्षेत्रीयतावाद का अभाव था, कांग्रेस में भाई भतीजावाद का अभाव था, जो कि इस पार्टी को स्वर्णिम अक्षरों से इतिहास में अंकित कराता है। छगन, कैसे इसे समझेंगे? छगन, क्षेत्रीयतावाद कैसे नहीं थी, इसको गौर कीजिएगा। कांग्रेस की स्थापना कहां पर हो रही है? बंबई में। कांग्रेस की प्रथम बैठक कहां पर हो रही है? बंबई में। बंबई में कांग्रेस की प्रथम बैठक हो रही है, महाराष्ट्र में। अध्यक्ष होना चाहिए था किसी मराठी को, लेकिन अध्यक्ष किसे बनाया जा रहा है? एक बंगाली व्यक्ति को, व्योमेश चंद्र बनर्जी को। ये आश्चर्य नहीं तो और क्या है। दूसरी बात, कांग्रेस की दूसरी बैठक हो रही है कलकत्ता में, अध्यक्ष होना चाहिए एक बंगाली व्यक्ति को, लेकिन अध्यक्ष बनाया जा रहा है किसे? दादा भाई नौरोजी को, एक पारसी व्यक्ति को। कांग्रेस की तीसरी बैठक हो रही है मद्रास में, अध्यक्ष बनना चाहिए था किसी दक्षिण भारतीय व्यक्ति को, लेकिन अध्यक्ष किसे बनाया जा रहा है? एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को, बदरुद्दीन तैयब जी को।
कांग्रेस की चौथी बैठक 1888 में कहां पे हो रही है, इलाहाबाद में। अध्यक्ष होना चाहिए था किसी उत्तर भारतीय व्यक्ति को, किसी हिंदू व्यक्ति को, लेकिन अध्यक्ष इसे बनाया जा रहा है एक ईसाई व्यक्ति को, एक अंग्रेज व्यक्ति को, जिसका नाम है जॉर्ज यूल। तो छतकर आप देख लीजिए कि कांग्रेस में क्षेत्रीयतावाद की भावना बिल्कुल नहीं थी। कांग्रेस का अध्यक्ष उस क्षेत्र का नहीं बनाया जाता था जहां पर बैठक होती थी। क्यों? इससे भाई भतीजावाद बहता, क्योंकि जो व्यक्ति उस क्षेत्र का अध्यक्ष बनता वह अपने लोगों को संगठन में ज्यादा रखता, भाई को, भतीजा को, इसको, उसको, और इस प्रकार से कांग्रेस अपने उद्देश्यों से भटक जाती। तो यह छतगन कांग्रेस की स्थापना और उद्देश्य से जुड़े हुए विविध पहलुओं से आपका परिचय। छतगन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही जबरदस्त रूप से आता है। पैनी निगाहें रखनी होगी, एक एक चीजों को ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा, एक एक पॉइंट को डील करना होगा छात्रगण, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको दिक्कत और मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े, इसे भी आपको गौर करना होगा, है ना। तो छात्रगण, आम जनमानस का सहयोग प्राप्त करना प्रारंभिक उद्देश्य, राष्ट्रीय एकता का निर्माण करना, सामाजिक समस्याओं का निदान करना, वार्षिक कार्यक्रमों की घोषणा करना, ब्रिटिश सरकार में शामिल होने की मांग करना, स्वराज की मांग प्रस्तुत करना, धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप या आचरण स्वीकार करना, क्षेत्रीयतावाद एवं भाई भतीजावाद से दूरी बनाए रखना, ये कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य थे। और कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राजनीति के मानचित्र पर उभरकर सामने आई थी। ये छतगन मेंस के लिए आपको इसी तरीके से पूरी बातों को प्रस्तुत करना होगा, पूरी बातों को रखना होगा, पूरे बातों को प्रस्तुत करना होगा, ध्यान रखिएगा। तो छतगन मेंस के लिए कांग्रेस टॉपिक से हम लोग यहीं तक रुकेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में किसी अन्य टॉपिक को हम लोग लेकर के चलेंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से आती है। आप सबों को मेरी शुभकामनाएं, सुबह।